गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर कि कंप्यूटर के कौन कौन से हार्डवेयर्स होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहता है और कंप्यूटर का जो चैप्टर है वो किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। आपको बता दें कि लगभग SSC, IBPS, PO, PSC, CAT, CBI, CPO और ऐसी कई एग्ज़ाम्स है जिसमें कंप्यूटर कंपलसरी हैं और कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम आज का ये वीडियो लेके आए हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि जो हमारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं उसका आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी को और अधिक अच्छे से कर सके। तो स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं आज कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में सबसे पहले आता है कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ हमने कंप्यूटर की एक डेफिनेशन ली है। तो कंप्यूटर की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि कंप्यूटर एक संगणक है जिसका कार्य गणना करना होता है और चार्ल्स बैबेज ने इसकी सर्वप्रथम बनाया था। चार्ल्स बैबेज इसके जनक कहलाते हैं। कभी कभी बहुत से एग्ज़ाम्स में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो आपको बता दें कि चार्ल्स बैबेज ही कंप्यूटर के जनक हैं। कंप्यूटर एक संगणक है, मतलब गणना करने की युक्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर शब्द एक लैटिन भाषा के कंप्यूट से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ की काउंटिंग करना। और कंप्यूटर का आविष्कार भी मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ गणना करने के कार्यों को सरल करने के लिए हुआ था। फ्रेंड्स, जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां आगे बढ़ती गई, कंप्यूटर का व्यापक स्तर पर सभी क्षेत्रों में यूज़ होता गया और आज ये अत्यंत व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग होता है। तो आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का प्रयोग आजकल अत्यंत व्यापक स्तर और सभी क्षेत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है। हर फील्ड में इसका प्रयोग नेसेसरी हो गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और सबसे पहले किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग हुआ, कौन सा प्रयोग कंप्यूटर सबसे पहले बनाया गया। तो यहाँ हमने आपको बता दें हम कि सबसे पहले कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कुछ निश्चित समस्याओं की भौतिक एवं गणितीय संख्याओं का जो समाधान करने में सक्षम कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जिसमें गणना अंक दर अंक प्रत्येक संख्या के आधार पर उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों ही कंप्यूटरों में अंतर समझ में आया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है और डिजिटल कंप्यूटर क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर के जो भाग होते हैं। तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और इन दोनों ही भाग के बारे में पूरी डिटेल हमने इस वीडियो में लेके रखी है कि हार्डवेयर क्या होते हैं और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये एक कंप्यूटर का डायग्राम है। इसमें देखिए कंप्यूटर की जो मेन यूनिट होती है ये है CPU, आउटपुट, ये आउटपुट डिवाइसेस, ये इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस स्टोरेज डिवाइस और ये भी इनपुट डिवाइस माउस। तो ये इन सब पांचों पार्ट से मिलके कंप्यूटर बनता है।
इनपुट और आउटपुट डिवाइसों में यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस भी लिख के रखी है हमने कि कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सब कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। इनपुट मीन्स कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को इन करने वाली डिवाइसेस, मतलब ऐसी डिवाइस जिनके सहारे कंप्यूटर को किसी प्रकार के सिग्नल या डाटा दिए जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती है। और आउटपुट वो डिवाइस है जिससे आपके द्वारा दिए गए सिग्नलों का कंप्यूटर फीडबैक देता है, वो आउटपुट डिवाइस होती है, जिससे आपको दिखाई देता है कि आपने जो सिग्नल दिए हैं उस पर क्या किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, तो वो सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर के भाग के अंतर्गत ही आता है। इनपुट डिवाइस में जो कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सभी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इनपुट कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के रूप में। यहाँ हमने एक प्रिंटर का एग्जांपल लेके रखा है, ये कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है, यानी जो आपने निर्देश डाटा कंप्यूटर को दिए है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करके जो आपको आउटपुट प्रदान करता है उसके लिए इस डिवाइस का कार्य होता है, या ये डिवाइस आपको आउटपुट का कार्य करती है, आउटपुट प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट दोनों ही यूनिट को देखा कि किस प्रकार की इकाइयाँ कंप्यूटर में कार्यरत होती है। तो इसके आगे हम चलते हैं प्रोसेसिंग इकाइयाँ क्या होती है या प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होती है कंप्यूटर की, और ये कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार प्रोसेसिंग का कार्य होता है। वैसे हम आपको बता दें कि कंप्यूटर में कुल चार इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, संग्राहक यानी मेमोरी यूनिट्स, यानी कुल मिला के चार यूनिट्स कंप्यूटर के हार्डवेयर में होती है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी यूनिट। ये इनको एक एक करके हम सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस ये होती है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल और लाइट पेन, ये सारी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या क्या होती है और प्रोसेसिंग इकाइयों के किस प्रकार कार्य होते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ लेके रखा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन्स यह कंप्यूटर का वो भाग है सीपीयू। इस पूरे ब्लैक वाले डब्बे को ही हम सीपीयू बोलते हैं और इसका कार्य होता है कंप्यूटर की सभी क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना। मीन्स कि ये एक तरह से कहा जाए तो कंप्यूटर का दिमाग ही कहलाता है, जो कंप्यूटर की सभी क्रियाविधि, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और इन सब के मध्य संबंध को स्थापित करता है। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय संसाधन इकाई या यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। तो आपको बता दें कि सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग का कार्य करता है। उसके बाद आता है सीयू मीन्स सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल यूनिट वह है। तो नेक्स्ट हमारा आया था सेंट्रल यूनिट यानी कंट्रोल इकाई, ये सीपीयू के अंदर ही होता है और इसका सही उपयोग होता है निर्देशों को सही तरीके से उसका उपयोग करना और उनको नियंत्रित करना तथा उस पर कार्य करना। जो निर्देश आपने दिए हैं उसके ऊपर कार्य करने का कार्य करता है सेंट्रल यूनिट। उसके बाद है थर्ड ALU यानी अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट, मीन्स इसका मेन कार्य जो है वो अंकीय एवं तार्किक क्रियाओं का नियंत्रण करना है। जो लॉजिकल आपने अंक इनको इनपुट किए हैं उन सभी का नियंत्रण अर्थमैटिकल लॉजिकल यूनिट करती है और इसका मुख्य कार्य ही होता है अंकीय एवं तार्किक क्रियाओं का निर्देश एवं नियंत्रण समन्वय करना। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी, और मेमोरी का एकमात्र कार्य है कि जो भी डाटा है उसको संग्रहित करना, ये डाटा को संग्रहित करने का कार्य करती है। अब अगर हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरियाँ दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी फिर दो प्रकार की होती है, रोम और राम। अब ये रोम
और रैम में क्या अंतर है और ये किस प्रकार की मेमोरी होती है, किस प्रकार कंप्यूटर में इसका यूज़ है, ये हम अभी आपको बता दें कि प्राइमरी मेमोरी जो है, तो प्राइमरी मेमोरी में हम बात करते हैं रोम की। रोम जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और इसको स्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। ये एक स्थाई मेमोरी है और रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसके भी कई भाग है, ईफ रोम, जिनका आधुनिक कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है रोम। रैम जो है ये एक अस्थाई मेमोरी है और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थाई मीन्स इसमें जो कार्य किया जाता है वो कंप्यूटर के ऑफ होने पे या पावर कट होने पर उसमें का जो डाटा होता है वो संग्रहित नहीं होता, वो कुल मिला के फिनिश या ख़त्म हो जाता है, समाप्त होने वाला डाटा होता है, इसलिए ये अस्थाई मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी ही प्रोसेसिंग का कार्य करती है, जिससे जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं उसको संग्रहित करके उस पर एक्शन लेने का कार्य प्राइमरी मेमोरी करती है। उसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। ये कंप्यूटर की स्थाई और बड़ी मेमोरी होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की संख्या पद्धति एवं कई प्रकार के एप्लीकेशंस स्थाई रूप से इसमें संचित होते हैं। ये होती है कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसिंग यूनिट्स में दोनों ही मेमोरियों का बहुत अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले और कौन कौन से भाग है और उनका किस प्रकार कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। तो इसमें सबसे पहले ब्लू रे डिस्क, ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग है। हार्ड डिस्क, ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग है। और फ्लॉपी डिस्क, ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब इनके एक एक करके हम इस्तेमाल किस प्रकार किए जाते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हम देखते हैं हार्ड डिस्क कि हार्ड डिस्क क्या होता है और ये कंप्यूटर में किस प्रकार कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो ये कई आकार की और कई क्षमताओं की उपलब्ध होती है। इसमें अलग अलग साइजेस होते हैं और पर्सनल कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रकार के हार्ड डिस्क मार्केट में उपलब्ध होती है। अगर हार्ड डिस्क, आधुनिक हार्ड डिस्क की बात करें हम, तो 1000 गीगाबाइट तक की हार्ड डिस्क यानी 1000 GB तक की हार्ड डिस्क मार्केट में आजकल उपलब्ध है। और इन्हीं हार्ड डिस्क की सहायता से कंप्यूटर अपना कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क, और फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम बता दें कि ये केवल सूचनाओं को संग्रहित करके रख सकती है, एक निश्चित या कम प्रकार की सूचनाएं जिसे हम कह सकते हैं। और इसकी जो क्षमता होती है 360 KB से लेके 1.44 MB तक की हार्ड डिस्क मार्केट में उपलब्ध होती है, या इसकी क्षमताएं होती है 1.44 MB। नेक्स्ट है हमारा ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का विकास क्यों किया गया और हार्ड डिस्क से ये या फ्लॉपी डिस्क से ये किस प्रकार अधिक बेहतर है, इस प्रकार के कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं या पूछे जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसकी क्षमता अधिकतम 1.44 MB होती है, लेकिन ब्लू रे डिस्क जो होती है 25 GB से 50 GB तक इसकी क्षमताएं होती है। और ये कई प्रकार के वीडियो रिकॉर्डिंग, राइडिंग और आंकड़ों को संग्रहित करना इसका कार्य है, या इसमें 50 GB तक के डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। इसीलिए ब्लू रे डिस्क फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा बहुत अधिक यूजफुल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये थे हमारे कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर्स जिनको हमने इस वीडियो में अभी तक कवर किया। इसके बाद है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर का किस प्रकार यूज़ है। तो हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करें तो कंप्यूटर में तीन प्रकार की सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर से किस प्रकार सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है, ये मेन होता है।
इसके बाद होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किस प्रकार हेल्प करते हैं किसी भी कार्य या डाटा को कन्वर्ट करने में या आपके यूज़फुल बनाने में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के पहले हम बता दें कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे भाग हैं जिनको स्पर्श नहीं किया जा सकता या जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, ऐसे भाग को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर की आंतरिक क्रिया यानी अंदर जो क्रिया हो रही है उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसका इसके जो एग्जाम्पल्स है MS DOS, MS Windows, Linux, Unix, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। MS Windows Vista, ये पांचों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये किस प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भिन्न होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इनमें और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो यहाँ एक बार मैं फिर आपको बता दूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर के आंतरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं एवं कंप्यूटर की सभी इकाइयों के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये यहाँ पांच हमने जो एग्जांपल लेके रखे हैं ये पांचों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स और MS विंडोज़ विस्ता, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें यूजेस क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपको बता दें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता दैनिक जीवन के अपने कार्यों को संपादित करने के लिए करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी वो सॉफ्टवेयर जिनके यूज़ करके आप अपने कार्यों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके भी यहाँ हमने एग्जांपल्स लेके रखे हैं, वो एग्जांपल्स है MS Word, MS Excel, MS Office और MS PowerPoint। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्यों को आपके दैनिक जीवन में जो यूज़ होते हैं वो किए जा सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में यही मुख्य अंतर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो पूरे सिस्टम कि सभी इकाइयों पर अपना कंट्रोल एवं समन्वय स्थापित करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंट्रोल पूरे सिस्टम पर नहीं होता है। अगर आपके सिस्टम में कोई एकाध एप्लीकेशन कार्य करना बंद कर दे तो उससे सिस्टम बंद नहीं हो जाता, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपका कार्य करना बंद कर दे तो ये कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके रन नहीं करेंगे और आपका कार्य रुक जाएगा। ये इन दोनों ही में मुख्य रूप से मुख्य अंतर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अगला हम चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर। तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है कंप्यूटर के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, परंतु इनकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है और इनकी आवश्यकता से ही हम अपने कुछ प्रमुख कार्यों को कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मीन्स कि इनकी आवश्यकताएं हमें बहुत अधिक पड़ती है। ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते और ना ही कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होते, ये अलग प्रकार के ही सॉफ्टवेयर हैं, इसीलिए इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है। तो ये एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताएं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के यहाँ कुछ एग्जांपल हमने लेके रखे है, जैसे टेक्स्ट एडिटर, फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम, डाटा सेलेक्शन प्रोग्राम और डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। टेक्स्ट एडिटर मतलब आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको एडिटिंग करने की अगर आपको आवश्यकता है तो ये टेक्स्ट एडिटर वहाँ वर्क करता है और ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। फाइल शॉर्टिंग आपके प्रोग्राम
फाइल्स बहुत सारी होती है, और अगर आपको किसी फाइल को शॉर्ट करना है, जल्दी से ढूंढना है, सर्च करना है, तो फाइल शॉर्टिंग सॉफ्टवेयर वहाँ वर्क करते हैं। डाटा सेलेक्शन प्रोग्राम भी इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। और डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, डिस्क में आपके डाटा का कंट्रोल मैनेजमेंट करना, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर पीढ़ियाँ, इनके बारे में विस्तृत देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। आज का ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।